दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा मेन एंड वेमेन दोनों के लिए फ्री डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या क्या खा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये डाइट प्लान काफी इजी और प्रैक्टिकल है, इसलिए अगर आप इस पे स्टिक कर गए तो आपका वेट बहुत जल्दी ही कम हो जाएगा। सो हाथ में पेन और पेपर ले लीजिए और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए आपको सबसे पहले तांबे के बर्तन में रात का रखा हुआ पानी पीना है। बिना ब्रश के पानी पीने से मुंह की लार भी साथ में जाएगी, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में बहुत हाई होती है। तांबा यानी कि कॉपर रात भर में पानी को चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से ये फैट लॉस के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही 3-4 ग्लास पानी पी जाएं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अप हो जाए और फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट। अगर आपको सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने की आदत है तो प्लीज इस टाइम पे स्किप कर दीजिए, आप बाद में दिन में कभी पी लीजिए तो बेटर रहेगा। फ्रेश होने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक फ्रूट खाएं। आप एक एप्पल खा सकते हैं, अगर आप एक केले पर काली मिर्च लगाकर भी खाएंगे तो वो भी आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, या कोई भी और आपका फेवरेट सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। कोशिश करें कि आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच हो, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल होता है तो आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल डोसा खा सकते हैं, इसकी रेसिपी चैनल पर ही है। आप ओट्स या गेहूं का सब्जियां डालकर दलिया बना सकते हैं। अगर आपको पराठे पसंद है तो 1-2 पनीर के पराठे खा सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो चिकपी स्पिनच एग भुर्जी भी खा सकते हैं, या एक प्लेन पराठे को 4 अंडे की भुर्जी के साथ जिसमें 1 होल एग और 3 एग बाइट हो, या पनीर भुर्जी के साथ भी खा सकते हैं। ध्यान दें कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि होल ग्रेन्स पे फोकस करना है, मैदा व्हाइट ब्रेड से जरा दूर रहें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्राउन ब्रेड को भी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में जो ब्राउन ब्रेड मिलती है उसमें मैदा मिक्स्ड होता है, कभी कभी खा सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट से 1 घंटे बाद और लंच से 40 मिनट पहले तक आपको कोशिश करनी है कि 1-2 ग्लास पानी पी जाएं, इससे मेटाबॉलिज्म अप रहेगा। बेस्ट है पानी की बोतल साथ रखें। अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है तो आप एक मुट्ठी अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स भी खा सकते हैं, या 4-5 भीगे हुए बादाम चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर सिंपली कोई फ्रूट ही खा लें, या फिर अगर मन हो तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय भी पी सकते हैं। बस चाय को फीकी पिएं या फिर किसी नेचुरल स्वीटनर के साथ ही मीठी करें। मैंने ऑलरेडी आपसे वीडियो शेयर की हुई है। रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल अवॉइड करें, वेट लॉस की नंबर 1 दुश्मन है। अब आते हैं लंच पे। दोस्तों बेस्ट होगा अगर आप लंच को सैलेड से स्टार्ट कर सकें। कच्ची सब्जियों का सलाद खाने से ना ही सिर्फ आपको विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर मिलेगा, बल्कि आप ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे। सैलेड खाने के बाद आप सिंपल घर का खाना जिसमें थोड़ा प्रोटीन हो, थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, वो खा सकते हैं। जैसे कि आप सेमी ब्राउन राइस के साथ छोले, चने या राजमा खा सकते हैं। इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी का भी डाल लें। बिल्कुल टेंशन ना लें, घी हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है और फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। आप होल व्हीट रोटी के साथ सोया चंक करी भी खा सकते हैं, या पनीर की भी कोई सब्जी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर रोटी या राइस के साथ चिकन ब्रेस्ट या फिश भी खा सकते हैं, मतलब सिंपल जो घर पर बनता है वही। अगर हो सके तो लंच के बाद 1 ग्लास नमकीन छाछ, काली मिर्च और जीरा डालकर पिएं, इससे बहुत हेल्प होगी। वरना सिंपल दही की 1 कटोरी भी खा सकते हैं। बेसिकली सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। अब फिर लंच से 1 घंटे बाद और इवनिंग स्नैक से 40 मिनट्स पहले तक हो सके तो 1-2 ग्लास पानी जरूर पिएं। अब आता है ट्रिकी पार्ट, इवनिंग स्नैक। शाम का टाइम ऐसा होता है जब हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और हम अक्सर ही बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा बैठते हैं। इसका रीजन काफी बार यही होता है कि समझ ही नहीं आता कि शाम को क्या खाएं। डोंट वरी, मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ। सबसे सिंपल ऑप्शन है कोई भी सीजनल फ्रूट। एक्चुअली फ्रूट्स बेस्ट हैं, खूब अच्छी क्वांटिटी में भी खा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है 2 मुट्ठी रोस्टेड चने, साथ में 1 मुट्ठी अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स, और आप चाहो तो साथ में 1 कप चाय भी पी सकते हो। तीसरा लो कैलोरी स्नैक ऑप्शन है रोस्टेड मखाने, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको थोड़ी ज्यादा भूख है तो आप चना चाट खा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको चना चाट की रेसिपी बताई हुई है। फिफ्थ ऑप्शन हो सकता है बनाना पीनट बटर रोटी, ये भी बहुत टेस्टी होती है। बाकी अगर आप एग्स खाते हैं तो एग वाइट भुर्जी या एग वाइट ऑमलेट भी खा सकते हैं। सो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस आपको हेल्प करेंगे बाहर के जंक फूड से बचने के लिए। अब आ जाते हैं डिनर पर। वैसे जो भी ऑप्शंस हमने लंच में डिस्कस किए हैं वो डिनर के लिए भी वैलिड हैं। अगर लंच में 3 रोटी खाते हैं तो डिनर में 2 रोटी खाएं, लाइट रखें। दाल चावल या खिचड़ी
लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। एक चम्मच देसी घी डालना मत भूलें। रोटी के साथ कोई भी सीजनल करी भी खा सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपका फैट लॉस कितनी जल्दी होगा वो ये है कि आपका डिनर का टाइमिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिनर बहुत लेट करेंगे तो खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। इसलिए अगर हो सके तो डिनर शाम को 7 बजे तक ही कर लें। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स की वजह से पॉसिबल नहीं होता है तो एटलीस्ट डिनर को लाइट रखें और डिनर करने के बाद वॉकिंग करने जरूर जाएं। इससे काफी हेल्प हो जाएगी। अब क्योंकि आपने डिनर जल्दी किया है और लाइट किया है तो आपको रात को भूख भी लग सकती है, इसलिए आप रात को सोने से आधे घंटे पहले एक ग्लास गुनगुना दूध पी सकते हैं। उसमें थोड़ी हल्दी और काली मिर्च डाल लीजिए, टेस्टी भी हो जाएगा और फैट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। सो दोस्तों, ये था आपके पूरे दिन का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान के साथ चाहे आप वर्कआउट करें या ना करें, लेकिन ये आपको 100% रिजल्ट देगा। बस ये है कि अगर आप वर्कआउट साथ में कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स फास्ट मिलेंगे। इसलिए सुबह या शाम जब भी आप कंफर्टेबल हों 40 से 45 मिनट वर्कआउट के लिए निकाल लें। अगर आप नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं तब भी आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, बस आपकी मील टाइमिंग्स बदल जाएंगी आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स के हिसाब से। दोस्तों अगर आप एक अच्छा एलोवेरा जेल मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो ट्राई कीजिए वाव स्किन साइंस का मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल स्किन और हेयर के लिए। वाव के एलोवेरा जेल में है 99% प्योर एलोवेरा, साथ में कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो कि सेफ हैं। वाव स्किन साइंस के एलोवेरा जेल में कोई भी हार्श केमिकल्स जैसे कि पैराबेंस, सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल, कॉस्मेटिक कलर्स या सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस नहीं डाले हुए। घर पर एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो मार्केट में ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप वाव के एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर, सनबर्न सूदर, हेयर सॉफ्टनर, आफ्टर शेव और हील सेवर की तरह भी यूज कर सकते हैं। वाव स्किन साइंस का ये मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल है सूटेबल फॉर ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स। फिर भी एक पैच टेस्ट जरूर कर लें यूज करने से पहले। वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल फॉर एक्सटर्नल यूज इज द फाइनेस्ट दैट यू कैन गेट इन अ बॉटल। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा 25% ऑफ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपनी सपोर्ट दिखाइए और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। अब आप मेरे काम को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं रेगुलरली Q&A सेशंस करता रहता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।